नमस्कार दोस्तों, मैं किरण। मेरे YouTube चैनल किरण्स किचन गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। दोस्तों, मैंने गर्मी की सभी सब्जियों को 10 मार्च तक लगा लिया था। कुछ सब्जियों को पहले लगाया था जो अब 20 से 25 दिनों की हो चुकी हैं। दोस्तों, इस स्टेज से पौधों को एक अच्छी देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। पौधों की देखभाल हमें शुरुआती समय से ही अच्छे से करनी चाहिए, ताकि पौधे शुरू से ही हेल्दी ग्रोथ करें और उसमें आगे चलकर अच्छे से फूल और फल आए। गर्मी में ज़्यादातर बेल वाली सब्जियां ही लगती हैं और उनमें बहुत ही जल्दी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग इस समय में शुरू हो जाती है। लगाने के लगभग 45 से 55 दिनों में ही हार्वेस्टिंग देना शुरू कर देती हैं। इसलिए हमें शुरुआती समय से ही, जो हमारे पास 1 से 1.5 महीने की समय होती है, उस समय में पौधों की हमें बहुत ही अच्छी देखभाल करनी चाहिए। इस समय में पौधे अपनी ग्रोथ पीरियड में होते हैं और इस समय में अगर उसे अच्छी देखभाल मिली तो पौधे बहुत ही स्ट्रोंग और हेल्दी तैयार होते हैं और आगे चलकर सही समय पर इनमें बहुत अच्छे से फूल लगते हैं और फल भी बहुत ही हेल्दी तैयार होते हैं और सही समय पर हमें बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग भी मिल जाती है। तो दोस्तों, पौधों को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए शुरुआती समय से ही एक अच्छी केयर की ज़रूरत पड़ती है। तो आज मैं आप सबों को वही बताने वाली हूँ कि हमें शुरुआती समय से ही पौधों की कैसी देखभाल करनी चाहिए। दोस्तों, जब पौधे 15 से 20 दिनों के हो जाएं, तो उसी समय से पौधों को एक अच्छी देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। कई बातों का हमें ख्याल रखना होता है, तभी जाकर पौधे बहुत ही हेल्दी और स्ट्रॉन्ग तैयार होते हैं। उसके बाद ही उनमें जाकर अच्छे से फूल और फल आते हैं। तो शुरुआती समय से इसकी केयर करनी होती है। यहाँ लगी हुई है कद्दू की बेल, जो बहुत ही हेल्दी ग्रोथ कर रही है, लेकिन हमें शुरुआती समय से ही इसकी केयर करनी है, तभी जाकर ये बहुत ही हेल्दी ग्रोथ करेगी आगे चलकर। तो देखिए, कुछ बातों का ख्याल रखना होता है, उनमें से कौन कौन सी बातें हैं। तो देखिए, पहली बात होती है कि पौधों में जो सबसे नीचे की पत्तियां होती हैं, उन्हें हमें हटाना होता है। जब पौधे 15 से 20 दिनों के हो जाते हैं, तो इसी समय से पौधे की नीचे की पत्तियों में कीड़ों के अटैक शुरू हो जाते हैं। तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है और हमें पत्तियों को पलट कर देखना है कि कहीं इसमें कीड़े तो नहीं लगे। साथ ही कीड़े ना भी लगे हों तो भी हमें नीचे की 3 से 4 पत्तियां हर पौधे की हटा देनी है, चाहे वो पौध वाली सब्जियां हों चाहे बेल वाली सब्जियां हों, सभी की 3-4 पत्तियां नीचे की हमें हटा देनी है। दोस्तों, नीचे की पत्तियों में ही सबसे जल्दी कीड़े लगते हैं, तो इन्हें हटा देना ही उचित है। तो इस बात का हमेशा ख्याल रखें, नीचे की पत्तियां आपको हटानी है। दोस्तों, दूसरी जरूरी काम होती है मिट्टी में पनप रहे छोटे छोटे खरपतवार को हटाना। दोस्तों, मेरे ग्रोबैक्स में आपको जल्दी खरपतवार नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि मैं हर संडे को खरपतवार निकालती रहती हूँ, जिसकी वजह से ग्रोबैक्स पूरी तरह से साफ सुथरी होती है। इनमें बिल्कुल भी खरपतवार आपको नज़र नहीं आएंगी। एक दो कहीं कहीं दिखाई देंगी तो वो छूट जाती हैं, इसलिए वो नज़र आती हैं। और यहाँ के मैंने जानबूझकर नहीं हटाए हैं, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर कुछ खरपतवार हैं। तो दोस्तों देखिए, ये खरपतवार जो होती हैं, हमारी मिट्टी के पोषक तत्व ले लेती हैं, पूरे तो नहीं लेकिन आधी पोषक तत्व ये ज़रूर ले लेती हैं, जिसकी वजह से पौधे की हेल्दी ग्रोथ रुक जाती है। तो दोस्तों, इन्हें बढ़ने ना दें, और जब ये छोटी छोटी रहती हैं तभी आप इन्हें हटा दें, क्योंकि जब ये बड़ी होंगी तो ये बीज बनाएंगी और वो बीज जब फिर से इन मिट्टी में गिरेगी तो दुगनी मात्रा में खरपतवार आपके ग्रोबैक्स में नेक्स्ट सीजन में आपको मिलेंगी। तो इन्हें ज़रूर हटाएं, मिट्टी के पोषक तत्व भी लेती हैं और नेक्स्ट सीजन में ये बहुत अधिक हो जाएंगी। तो ऐसा होने ना दें और इन्हें हटा दें, क्योंकि जब ये बीज बनाती हैं तो बहुत मात्रा में बनाती हैं और फिर इन्हें निकालते निकालते आप थक जाओगे। इसलिए शुरुआती समय में जब ये छोटी छोटी होती हैं तभी आप निकाल दीजिए,
आपके ग्रो बैग्स में ये बहुत ही कम मात्रा में निकलेंगी और आपके जो मिट्टी है उनके पोषक तत्व हैं सिर्फ आपके पौधे को मिलेगी और आपके पौधे जो है हेल्दी ग्रोथ करेंगे। तो दोस्तों इस बात का भी बहुत ख्याल रखें कि आपके ग्रो बैग्स में खरपतवार बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, तभी आपके पौधे हेल्दी ग्रोथ करेंगे। पौधे को हेल्दी रखने के लिए ये काम करना भी बहुत ज़रूरी होता है, तो इसका भी ख्याल रखें और ग्रो बैग्स में खरपतवार बिल्कुल भी होने ना दें। दोस्तों तीसरी ज़रूरी काम होती है मिट्टी की गुड़ाई करना। मिट्टी की गुड़ाई करने से मिट्टी बहुत ही हल्की हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है, जिसकी वजह से मिट्टी में ऑक्सीजन आसानी से आती जाती है। मिट्टी में बहुत आसानी से अगर ऑक्सीजन पहुंच जाती है तो पौधे की जड़ें जो हैं वो बहुत ही अच्छे से ऑक्सीजन ले पाती हैं और बहुत ही हेल्दी ग्रोथ करती हैं, जड़ें मजबूत होती हैं। तो मिट्टी की गुड़ाई करना बहुत ही ज़रूरी है, तो हर 15 दिनों में मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करें। जब भी इसमें खाद डालें, चाहे वो खाद लिक्विड हो चाहे वो खाद ठोस रूप में हो, आप इसकी गुड़ाई ज़रूर करें। दोस्तों चौथा काम है पौधे में खाद डालना। इस स्टेज में पौधे को नाइट्रोजन युक्त खाद चाहिए होती है उसके हेल्दी ग्रोथ के लिए, क्योंकि इस समय जड़ें ग्रोथ कर रही होती है, उसके तने ग्रोथ कर रहे होते हैं, उसकी पत्तियां बन रही होती हैं, नई नई शाखाएं बन रही होती हैं। तो सभी के अच्छे ग्रोथ के लिए हमें पौधे में नाइट्रोजन युक्त खाद डालनी है, तो मैं ले रही हूँ गोबर की खाद। दोस्तों इस समय में यहाँ पर बारिश हो रही है और 2-3 दिनों से हो रही है और 2-3 दिनों तक होने के चांसेस हैं, इसलिए मैं गोबर की खाद को ठोस रूप में डाल रही हूँ। आप इसका इस्तेमाल लिक्विड रूप में कर सकते हो, आप गोबर के कंडे की लिक्विड खाद डालिए, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। हमारे यहाँ बारिश हो रही है इसलिए मैं ठोस रूप में इसका इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन इस समय में आपको नाइट्रोजन युक्त खाद ही डालनी है, क्योंकि पौधा ग्रोथ पीरियड में है और इस पीरियड में आपको सिर्फ नाइट्रोजन युक्त खाद ही डालनी है। और जिस खाद में भी नाइट्रोजन मिलती है, जिस ऑर्गेनिक खाद में आपको नाइट्रोजन युक्त पोषक तत्व पाई जाती है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। दोस्तों आप अगर आपके यहाँ पर अभी मौसम ठंड है तो आप सरसों की खली का भी इस्तेमाल कर सकते हो, सरसों की खली में भी नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में पाई जाती है, तो उसका इस्तेमाल भी आप लिक्विड रूप में कर सकते हो। मौसम गर्म हो तो इस सरसों की खली का इस्तेमाल ना करें, मौसम ठंडी हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। हमारे यहाँ भी बारिश चल रही है इसीलिए मैं गोबर की खाद का इस्तेमाल कर रही हूँ ठोस रूप में। तो दोस्तों इस स्टेज में जब पौधे 20 से 25 दिनों के हो जाएं तो आपको नाइट्रोजन युक्त खाद डालनी है। नाइट्रोजन युक्त खाद के लिए आप गोबर की खाद का इस्तेमाल कर सकते हो, बर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, गोबर के कंडे के लिक्विड खाद का इस्तेमाल कर सकते हो, सरसों की खली का इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपके यहाँ अभी मौसम ठंडी है तो इन सभी खादों का इस्तेमाल आप इस स्टेज में कर सकते हो, क्योंकि इस स्टेज में पौधे को सिर्फ नाइट्रोजन युक्त खाद ही चाहिए। तो इस स्टेज में आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि पौधे को नाइट्रोजन युक्त खाद ही देनी है। दोस्तों पांचवा काम करना होता है हमें पेड़ पौधों में इस स्टेज में कीटनाशक का छिड़काव करना। मैं अपने पेड़ पौधों में नीम ऑयल का छिड़काव करती हूँ। दोस्तों नीम ऑयल ऑर्गेनिक रूप में पेड़ पौधों पर बहुत ही कारगर और असरदार सिद्ध होती है, तो मैं नीम ऑयल का इस्तेमाल करती हूँ और हर 15 से 20 दिनों में एक बार अपने सभी पेड़ पौधों में इसका इस्तेमाल करती हूँ। दोस्तों आप इसकी जगह नीम के पत्तियों को उबालकर उसके पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, वह भी बहुत असरदार होती है। जब मेरे पास नीम ऑयल नहीं होती है तो मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ, और आप अपने तरीके से किसी भी कीटनाशक का इस्तेमाल कर सकते हो इस समय में, जिससे कीड़े पौधों से दूर रहे। बस आपको पौधों को कीड़े मकोड़ों से दूर रखना है।
तो देखिए मैं इसे बनाने के लिए 1 लीटर पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ और लिक्विड सोप का इस्तेमाल कर रही हूँ। 3 से 4 बूंद इसकी ले रही हूँ और 8 से 10 बूंद हमें नीम ऑयल की लेनी है। दोस्तों लिक्विड सोप डालनी बहुत ज़रूरी होती है इसमें। नीम ऑयल को पानी अकेले नहीं घोल पाती है, वह पानी के ऊपर तैरने लगती है। लिक्विड सोप डालने से वह पानी में घुलनशील हो जाती है और पानी में अच्छे से मिल जाती है। तो जब भी नीम ऑयल बनाएं लिक्विड सोप का इस्तेमाल ज़रूर करें, तभी वह पानी में अच्छे से घुल पाती है। चलिए इसे कैसे इस्तेमाल करना है वो भी बता देती हूँ। तो दोस्तों इसका स्प्रे बहुत ही अच्छे से करना है आपको, ऊपर की पत्तियों पर भी और नीचे की पत्तियों पर भी। एक भी पत्ती छूटनी नहीं चाहिए, ऊपरी भाग में भी और निचली भाग में भी। नीचे की पत्तियों को भी पलट पलट कर आप इसका स्प्रे करें। मैंने फ़ोन पकड़ रखा है इसलिए मैं अभी नहीं कर पाऊँगी, दिखा नहीं पाऊँगी, लेकिन आप निचली पत्तियों पर भी इसका स्प्रे बहुत ही अच्छे से करें। निचली पत्तियों में ही ज़्यादातर कीड़े लगते हैं, तो निचली पत्तियों में इसका इस्तेमाल ज़्यादा अच्छे से करें। दोस्तों आपको इसका इस्तेमाल 20 दिन के पौधों से शुरू कर देना है। पौधे जब स्वस्थ रहते हैं तभी से आपको इसका इस्तेमाल करना है और हर 15 दिनों में इसका इस्तेमाल करना है। आपके पेड़ पौधे हमेशा स्वस्थ रहेंगे। छठा ज़रूरी काम होता है बेल वाली सब्जियों को सहारा देना। गर्मियों के दिनों में सबसे अधिक बेल वाली सब्जियाँ ही लगती हैं। पौधे जब 20 से 25 दिनों के अभी हो जाते हैं तो उनमें बेल बननी शुरू हो जाती है। इस स्टेज में बेल वाली सब्जियों को सहारे की ज़रूरत पड़ती है। कुछ दिनों के बाद ही गर्मी बहुत तेज़ हो जाएगी और छत जो है बहुत ही तपने लगेगी। ऐसी स्थिति में अगर आपने छत पर बेल वाली सब्जियों को फैला रखा है तो छत की गर्मी से वह झुलसने लगेगी, इसलिए बेल वाली सब्जियों को सहारा दीजिए। जब बेल वाली सब्जियाँ ऊपर चढ़ती हैं, ऊपर मचान में जाती हैं, तो उसकी बेलें बहुत ही घनी फैलती हैं और जब उनमें फल लटक कर फलती हैं तो वह साइज में बहुत ही लंबी ग्रोथ करती हैं। मैंने लकड़ियों से मचान बनाई हुई है और इस तरह से नारियल की रस्सी के सहारे इसे ऊपर चढ़ाती हूँ। नारियल की रस्सी बहुत ही खुरदरी होती है और बहुत ही मजबूत होती है। इसमें बेल वाली सब्जियाँ जो होती हैं बहुत ही अच्छी पकड़ बनाती हैं और मजबूती से इसको पकड़कर ऊपर चढ़ती हैं। तो दोस्तों ये नारियल की रस्सी आपको हार्डवेयर की दुकान में मिल जाएगी और अगर आप इसे नहीं लेना चाहते हो तो क्रीपर नेट आती हैं, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। अगर आप मचान बनाना नहीं चाहते हो तो क्रीपर नेट का इस्तेमाल कीजिए। क्रीपर नेट आपको सीड शॉप पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगी, तो आप दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरह से आप मचान भी बना सकते हो, क्रीपर नेट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन बेल वाली सब्जियों को चढ़ने के लिए सहारा दीजिए, तभी आपकी बेल वाली सब्जियाँ जो हैं हेल्दी ग्रोथ करेंगी। और जब ये ऊपर चढ़ती हैं और उसमें जब फ्रूट्स बनते हैं तो बहुत अधिक मात्रा में बनते हैं, नीचे ज़मीन पर वो अच्छे से नहीं फैल पाती हैं। तो बेल वाली सब्जियों को सहारा दीजिए, आपके पौधे हेल्दी ग्रोथ करें। तो दोस्तों ये थी 6 छोटी छोटी बातें और इन्हीं बातों से आप अपने छोटे पौधे को हेल्दी बना सकते हो, स्ट्रांग बना सकते हो और कुछ दिनों के बाद बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग आपको उनसे मिलने लगेगी। इन बातों का ख्याल रखिए, अपने पौधे को स्ट्रांग बनाइए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।